अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो आमिर भाई, आपका मेरे से एक सवाल था जो आपने मुझसे पूछा था कि इस शेप के ऊपर आप टेक्सचर को अप्लाई कर रहे हैं और वो ठीक तरह से हो नहीं रहा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस शेप के ऊपर टेक्सचर को किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से उसको प्रॉपर अप्लाई करना है कि वो बिल्कुल ठीक आए। तो देखिए, ये शेप मैंने पहले से बना के रखी हुई है ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े। तो शेप तो आपको बनानी आती ही है। तो देखिए, शेप ये बिल्कुल पॉली सरफेस है, ठीक है। सबसे पहले इस सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद नजामा करना है में, और ये देख क्रिएट यूवी कर्व, ठीक है। ये कर लेने के बाद इस कर्व में यहाँ ले आऊँगा, वो आपकी मर्जी, अब यहाँ रखें, यहाँ जहाँ मर्जी रखें, मैं तो यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ आर्ट में, और ये देखिए, यहाँ आर्ट में भी मैट्रिक्स आर्ट, ठीक है। इसमें ये लेयर्स और इस कर्व को मैं इसमें एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये शेप जो है थोड़ी सी त्रिकोण नुमा है, यहाँ से ऊंची और सेंटर से ऊंची है, यहाँ से नीची है। उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ जाते हैं लोड प्रोफाइल और नीचे आते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पर ये वाला प्लेन, इसको सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसकी देखिए कितना ऊपर आ गया ये हवा में, क्योंकि पॉइंट्स के ऊपर है। हम इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, ये देखें, ये शेप बनाने में भी काफ़ी, जैस ये देखें, ये जो पॉइंट्स है ना, ये हमें सरफेस की शेप बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। ये कैसे शेप बनाने में हमें हेल्पफुल साबित होते हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी जो काम आपने मुझसे पूछा मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखिए, अब इस पॉइंट को पकड़ के जैसे ही हम इसके यहाँ लेवल पे लाएंगे तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा स्टेप हमारा ये, हमें जाना है पिक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेगा वो आपसे पूछेगा कि आपके जो टेक्सचर वगैरह वो कहाँ पड़ेंगे। टेक्सचर्स अप्लाई करने के लिए ना आपके टेक्सचर्स भी अच्छे होने चाहिए, जितना अच्छा टेक्सचर्स होगा वो उतना ही अच्छा अप्लाई भी होगा, ठीक है। तो इनमें से मैं ये वाला टेक्सचर ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओपन करा तो ये देखिए, अभी टेक्सचर यहाँ आ जाएगा, ये देखिए, ये टेक्सचर यहाँ पे आ गया। सबसे पहले ये देखिए, ये है बिटमैप हाइट, इसकी हमने हाइट बढ़ानी है, हाइट कम करनी है। एक एन एम है, हम इसकी हाइट 0.5 कर रहे हैं, 0.5 इसकी हाइट होगी, ठीक है। अगर हम इसको 1 mm करेंगे तो ये ज़्यादा हो गई, हम इसको बढ़ा के 0.5 कर दें और एंटर मार दें, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने इसको पूरे ये कर देते हैं टाइल बिट मैप। टाइल बिट मैप करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि जहाँ सरफेस खाली होती है ना, ये देखें, साथ में मैं ऐसे करूँगा तो यहाँ सरफेस, ये देखें, ये देख रहे हैं, साइड में सरफेस खाली हो रही है। जैसे ही मैं टाइल बिट मैप करूँगा, ये पूरी सरफेस के ऊपर ऑटोमेटिक ये टेक्स्चर आ जाएगा। टाइल बिट मैप करने का ये बेनिफिट होता है। आप देखें, अब ये सरफेस है छोटी, छोटी सरफेस के ऊपर जो है ना टेक्स्चर, वो बनाया जाता है ज़रा खुला करके, ऐसे ही देखिए, जितना आप इसको डीप करेंगे या गहराई करेंगे ना, ये उतना ही आपका इस सरफेस के ऊपर अच्छा नहीं आएगा। तो जितना इसको आप खुला करके बनाएंगे, ये उतना ही अच्छा आप लाएंगे, ठीक है। ये बात आप मेरा पॉइंट जेन में रखिएगा, जितनी छोटी सरफेस हो उसके ऊपर उतना ही खुला टेक्सचर बनाना है, उतना ही इसको बेहतर करके टेक्सचर बनाना है। जितना खुला टेक्सचर होगा वो उतना ही इसके ऊपर अच्छा अप्लाई भी होगा, ठीक है। इसको ऐसे नहीं करना है, इसको हमने इतना ये ऐसे खुला टेक्सचर थोड़ा सा इसको यहाँ से सेंटर में ले आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कम करते हैं ऐसे, बस इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम इसके अपडेट रेजोल्यूशन 19 पे करते हैं और ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं इफेक्ट में और ये इसको हाई कर देते हैं यहाँ से, और ये बोथ एंड हमारा, ये बोथ एंड लाजमी करना है, ये हाई एंड नहीं करना है और इसको नहीं करना, ये दोनों पॉइंट अलग अलग रहना है। ये देखिए यहाँ पे, ये जब हम बोथ एंड कर देंगे तो ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर ही हमारी इंक्लूड हो जाएगी। तो ये हमारा हाई भी हो गया और बोथ एंड भी हमने ऑन कर दिया है। उसके बाद जस्ट हमने इस पर क्रिएट मैच पे क्लिक करना है, ये देखिए ये हमारी सरफेस रेडी हो गई है। अब देखिए प्लास्टिक में जाए, ये देखिए कितना हमारा अच्छा सर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ब्लास्ट करते हैं, ठीक है, ये सरफेस हम डिलीट करते हैं, ये देखिए ये पीछे से होलो बिल्कुल आ गया, ठप्पा शेप। अब हमने क्या करना है, इस सारे सरफेस को हमने क्लिक करना है और यूटिलिटी में जाना है, यहाँ पे आना है, ये देखिए ये है अप्लाई नेक्स्ट यूनियन, इस पर क्लिक करना है और इस पर हमने क्लिक करना है, ये देखिए ये आ गया हमारा टेक्स्चर। देखिए जितना टेक्स्चर मैंने खुला बनाया था उतना ही अच्छा टेक्स्चर हमारा यहाँ पे भी आया। नीचे की सरफेस हम हाइड कर देते हैं, ये देखिए अब अंदर से खाली आ रही है, ठीक है। हमने क्या करना है, सरफेस को क्लिक करने के बाद इसको हमने गेज भी देना है, ऑफसाइड करना है, ये देखिए मैश में जाएंगे, ऑफसाइड मैश सॉलिड, और उसके बाद यहाँ पे 0.2, ठीक है, ये 0.2 हमारा आ गया, ठीक है, और इसको हमने ओके करा, ठीक है। और ये देखिए अब यहाँ से हमें सरफेस हमारी फटी हुई नजर आ रही है, लॉस्ट हो गई। इसके लिए हमने सरफेस को क्लिक किया और सॉरी स्मूथ में जाएंगे, SMOOTH, यहाँ पे स्मूथ, ठीक है।
इसको हम करते हैं 1 mm, ठीक है। जैसे ही हमने 1 mm किया, देखें भाई सरफेस और क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। और ये अंदर से बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको हम ये हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा, इसका हम डुप्लीकेट एज लेते हैं, ठीक है, और इस सर्कल को हम डिलीट कर देते हैं। इसको हम ज्वाइन करते हैं और ऑफ साइड डल करते हैं 0.35, ठीक है। इसको हम अटैच करते हैं, ठीक है, और इसको हम कर डिलीट करके इसको हम ऑफ साइड कर देते हैं, सॉरी, तो हम ऑफ साइड करते हैं फ्लिप 0.4। अब ये सरफेस हमने बनाई है ना, ये टेक्चर के बिल्कुल नीचे आ जाएगी, ठीक है, सॉलिड में जाके 0.4 कर देते हैं, वो सरफेस हमारी सही नहीं आई 0.4, ठीक है। अब ये सरफेस है ना हमारी, ये बिल्कुल टेक्चर के ऊपर नीचे आ जाएगी और टेक्चर जो हमारा इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे आ गई हमारी, और ये चीज़ हमारी ऐसे आ गई, ठीक है। ये एक हमारी टेक्चर के जो नीचे बेस होती है ना, ये वो हमारी सरफेस वो काम करेगी, कि इसके ऊपर जो स्पोर्ट वगैरह लगनी है वो लग जाएगी, और स्पोर्ट इसके ऊपर नहीं रहेगी, स्पोर्ट इस बेस के ऊपर लग जाएगी, इससे हमारा पीस भी अच्छा निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, जो आपने सवाल मुझसे पूछा था कि किस तरह से ये टेक्चर हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप लाजमी मुझसे पूछिएगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे ये कलर दे के बंद कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ जाते हैं, एक सरफेस मैंने बना रखी है पहले से। तो आसिफ भाई, आपका भी मेरे से एक सवाल था और वो ये था कि इस सरफेस के ऊपर आपका टेक्चर सही तरह आ नहीं रहा था, ठीक है। तो ये देखें, ये टेक्चर सरफेस मैंने बना के रखी हुई है, मैं इसको आपको हाइड करके दिखाता हूँ। ये देखें मैंने ये दो कर लिए, 20 mm और 10 mm, ठीक है। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करने के बाद जस्ट सरफेस में गया और मैंने लॉक कर दिया, ये लॉक किया, ठीक है। और इन कर्वों को मैंने पाइप कर दिया, ये हमारे पाइप शेप बन गए, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल वही सिंपल काम, कर्व मेन्यू में जाना है और क्रिएट यूवी कर्व और इस पर क्लिक करना है और ट्रैक, ठीक है, ये हमारी सरफेस निकले यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब दोबारा हमने आर्ट में जाना है और ये मैट्रिक्स आर्ट लेयर पे क्लिक और इसको हमने इसमें इंक्लूड करना है। देखिए इसमें भी वही चीज़ दे रहा है, ये त्रिकोण बनी हुई, तो हमने इसको शेप ठीक करना है। इन पॉइंट को भी हम शेप ठीक नीचे करके ठीक कर सकते हैं, कोई इतना तो ये पॉइंट देके भी हम इनको सीधा बिल्कुल ट्रैक कर सकते हैं। जैसे हम इसको डिवोल ये यहाँ जाके हम जो ये वाला कर्व मैंने लिया था, ये वाला, ये लेके भी आप फ्लैट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने फ्लैट कर दिए, उसके बाद हमने पिक्चर में जाना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसी तरह से मैं अब ये वाला टेक्स्ट, पहले मैंने ये टेक्स्चर लिया था, अब मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है, और ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए ये हमारा टेक्स्चर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये पूरी सरफेस के ऊपर तो नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ जाएंगे और ये देखिए ये देखिए ये है टाइल बिटमैप, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे टेक्स्चर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके हमें सबसे पहले हाइट जो है वो कम करनी है 0.5, ठीक है, और उसके बाद हमें इसको स्मूथ करना है, एस स्मूथ हमने करना है इसको, और इसके हमें थोड़ा सा इधर ले आना है एस। तो जितना हम इसको खुला करके बनाएंगे हमारी सरफेस के ऊपर, उतना ही अच्छा है अप्लाई होगा, ठीक है। और जितना इसको हम गुठवा कर देंगे, जैसे हम ऐसे कर देते हैं, तो उतना ही ख़राब हमारी सरफेस के ऊपर ही आएगा। तो जितना हम इसको खुला करके बनाएंगे बेहतर, उतना ही हमारा सरफेस के ऊपर ही अच्छा अप्लाई भी होगा, ठीक है। अब ये देखें, अब उसी तरह से हमने इफेक्ट में जाना है, वो कौन है, हमने हाई ओपन कर देना, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोस्पेक्टिव में जाना है, इसकी हाइट वगैरह देखनी है, रेजोल्यूशन 20x21 कर देते हैं हम, ये देखिए ये हमारा क्लियर हो गया, ये देखिए पत्ते वगैरह हमारे बन गए, ठीक है। अब जस्ट हमने क्रिएट मैच पे क्लिक करना है, ठीक है, और ये हमारा भी मैच अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पर जब तक ये अप्लाई होता है, तो ये देखिए ये हमारा अप्लाई हो गया, सरफेस हमारी बन गई, ठीक है। अब इसके बाद हम पैच करते हैं, देखिए ये हमारा कैसा बनता है, ठीक है। उसके बाद हम सरफेस को पकड़ते हैं और ग्लॉस करते हैं, सॉरी सरफेस ग्लॉस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से ना ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जिसपे नाम लिखा हुआ है, इस वजह से सरफेस थोड़ी ग्लॉस नहीं होगी। तो जस्ट मैं आपको ऐसे ही अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। बेसिक को आपने अप्लाई करने का पूछा था, तो मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दूँगा। ये पकड़ा और यूटिलिटी में गए, मैश यूवी एन, और इस पर हमने क्लिक किया,
जैसे ही क्लिक करेंगे और ये नीचे चला गया। हम इसको थ्रू फिंगर में जाके रोटेट कर लेते हैं नीचे की तरफ, ऐसे ये रोटेट हमने इसको उल्टा कर लिया। जब इसको उल्टा करके करेंगे और यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा। समटाइम ये ऐसा होता है, अभी मैंने इसको क्लिक नहीं किया, ये और ये हमारा पूरा का पूरा टेक्सचर आ गया। ठीक है, अब इसको ही थोड़ा सा देखो, आप कह रहे थे ना आपका टेक्सचर पूरा नहीं आ रहा है, देखिए मुकम्मल टेक्सचर आ गया। ठीक है, अब आपका ये टेक्सचर थोड़ा सा आपको ठीक नहीं लग रहा होगा, तो इसके लिए हम करते हैं एस एम स्मूथ, स्मूथ में जाते हैं और इसको 1 mm नहीं बल्कि 1.2 कर देते हैं। जैसे हमने 1.2 स्मूथ किया तो देखिए पत्तों की जो शेप थी वो बेहतर होगी, ठीक है, पत्तों की शेप बेहतर होगी। तो इस तरह से आप इस सरफेस के ऊपर ही पूरा टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो आसिफ भाई कि आपको भी मेरी बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप लाजमी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझे कमेंट में करके या व्हाट्सएप पे मुझसे आप लाजमी पूछिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह लाजमी उस बात का जवाब दूंगा जो आपको समझ में नहीं आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। आसिफ भाई आपको भी और आमिर भाई आपको भी, इंशाल्लाह आप दोनों से मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ और अपने तमाम व्यूअर्स से इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।